भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 148 करोड़ से अधिक की घोषणाएं की। इसमें अब उम्मीद है कि ताज नगरी में अब धार्मिक पर्यटन को न सिर्फ पंख लगेंगे, बल्कि बटेश्वर से शुरू हुई हेलीपोर्ट सेवा के बाद अब बटेश्वर धाम का कायाकल्प भी होना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद से भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक काफी उत्साहित है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री परम सिद्धे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्मस्थली पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के आगमन पर 125 करोड़ से ज़्यादा की सौगात आपने बटेश्वर के विकास के लिए योजनाओं का शिलान्यास किया है, घोषणा की है, और इतना विकास बटेश्वर भगवान की नगरी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली की पूरी कायाकल्प कर दी गई है। आगरा के ही नहीं, पूरे ब्रज के और नोएडा से लेकर आगरा तक के इस सभी पर्यटक नगरी को बहुत आशाएं, बहुत हर्ष, बहुत उम्मीद की किरण जग गई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो सेवा प्रारंभ हुई है तो हर हमारा सैलानी हो या हमारा कोई भी दर्शनार्थी हो, नोएडा से लेकर आगरा तक की इस यात्रा को, चाहे उसे गोवर्धन जाना हो, भगवान बटेश्वरनाथ के दर्शन करने जाना हो, गोवर्धन जाना हो, वृंदावन जाना हो, उसके लिए एक बहुत सुगम और बहुत कम समय में अपनी परिक्रमा लगाने का, अपने दर्शन करने का इसका जो सपना था वो भी पूरा हुआ है।